दिस मॉड्यूल डिस्कस जेनेटिक वेरिएशंस फर्स्ट ऑफ ऑल वट आर जेनेटिक वेरिएशन जेनेटिक वेरिएशंसिकली वेरिएशंस द इंडिविजल्स ऑफ ए पॉपुलेशन एक पॉपुलेशन के जो मेम्बर्स हैं उनके अंदर वेरिएशंस मौजूद हो सकती हैं ये जो वेरिएशंस हैं ये उस पॉपुलेशन के सर्वाइवल और उसके अडपटेशन को समझने के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंडिविजुअल वेरिएशन होती हैं ये एवोल्यूशन का सब बनती हैं इंडिविजुअल वेरिएशन नेचुरल सिलेक्शन का सब भी बनती हैं है। अब एवोल्यूशन क्या है एवोल्यूशन एक ऑर्गेनिजम के अंदर चेंज है विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकती है एवोल्यूशन नेगेटिव भी हो सकती है और एक पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस हो सकती हैं एक ही इंडिविजुअल्स के अंदर डिफरेंट ट्रेड्स के लिए डिफरेंट करेक्टर्स के लिए वेरिएशन हो सकती है अब इस वेरिएशन के अंदर नेचर ऐसे इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करती है जो के उस इन्वायरमेंट के मुताबिक उसके लिए ज्यादा सूट करते हों और नेचर ऐसे इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट नहीं करती जो इस इंडिविजुअल्स का जो सर्वाइवल है नए माहौल के मुताबिक नहीं कर पाते अब इंडिविजुअल वेरिएशंस की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं ये म्यूटेशंस की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती हैं ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती हैं ये जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती हैं है। या फिर माइग्रेशन भी इसका सबब बन सकती हैं अब म्यूटेशंस बहुत डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं म्यूटेशंस लीथल म्यूटेशन भी हो सकती हैं लीथल म्यूटेशंस ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ का सबब बनती हैं सब लीथल म्यूटेशंस भी हो सकती हैं सब लीथल म्यूटेशन लेस हार्मफुल होती हैं लेकिन कुछ म्यूटेशंस ऐसी भी होती हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स के लिए फायदेमंद होती हैं इसी तरीके से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जब म्योसिस होती है क्रोमोसोम्स जो है अपने डिफरेंट पार्ट्स का तबादला करते हैं उसके नतीजे में भी जो ऑस्ट्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उसमें वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस होती रहती है इसी तरीके से टाइम सडन चेंज अलीर फ्रीक्वेंसी के अंदर आ जाती है किसी भी वजह से जिसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं तो इस सडन चेंज की वजह से भी एक पॉपुलेशन के अंदर अलील फ्रीक्वेंसी के अंदर तब्दीली आती है इसके अलावा एक पापुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स के अंदर वेरिएबिलिटी है ये कम भी हो सकती है बहुत सारी पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल वेरिएशन ज़्यादा होती हैं अब ये जो वेरिएबिलिटी है डिफरेंट करेक्टर्स के अंदर इसकी जो रेशो है वो डिफरेंट हो सकती है कुछ करेक्टर्स के अंदर वेरिएबिलिटी कम हो सकती है कुछ करेक्टर्स के अंदर वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑर्गेनिजम की फिटनेस की बात करें तो फिटनेस का जो ट्रेट है फिटनेस का जो करेक्टर है इसके अंदर भी वेरिएबिलिटी पाई जाती है एक पॉपुलेशन जो है अगर उसके अंदर ऐसा इंडिविजुअल जिसकी फिटनेस मैक्सिमम है अगर ये मैक्सिमम फिटनेस वाले इंडिविजुअल्स जो है इसमें से हम उस पॉपुलेशन की जो एवरेज फिटनेस है उसको माइनस करें तो इसका आंसर अगर बड़ा आए जिसको हम जेनेटिक लोड कहते हैं ये जो डिफरेंस है इसको जेनेटिक लोड कहेंगे अगर इसका आंसर बड़ा आए तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉपुलेशन है इसका ओवरऑल फिटनेस लेवल कम है क्योंकि एक पॉपुलेशन का जेनेटिक लोड जितना ज्यादा होगा उतना उसका फिटनेस लेवल भी कम होगा अब एक पॉपुलेशन के अंदर अगर तमाम इंडिविजुअल्स एक जैसे हों तो उनमें वेरिएबिलिटी जीरो होगी उनका जो फिटनेस लेवल है वो मैक्सिमम होगा ऐसी पॉपुलेशन एक आइडियल पॉपुलेशन कहलाएगी लेकिन नेचर ऐसी पॉपुलेशन को भी पसंद नहीं करती क्योंकि अगर किसी वजह से इन्वामेंटल कंडीशंस चेंज हो जाती हैं तो पॉसिबिलिटी है कि इस पॉपुलेशन के तमाम इंडिविजुअल्स अपने आप को नए माहौल के मुताबिक एडजस्ट कर लें लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि नए माहौल के मुताबिक इस पूरी पॉपुलेशन में से कोई भी इंडिविजुअल एडजस्ट ना कर पाए उस सूरत में कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो इसलिए एक पॉपुलेशन के अंदर वेरिएबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है उसके सर्वाइवल के लिए क्योंकि जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस तब्दील होती हैं तो उसके नतीजे में अगर कुछ इंडिविजुअल्स अपने आप को नए माहौल के मुताबिक एडजस्ट नहीं भी कर पाते तो कुछ ना कुछ जरूर ऐसे बाकी बच जाते हैं जो अपने आप को नए माहौल के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं और वो जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू करती है उस स्पीशीज का जो सर्वाइवल है वो रहता है अदरवाइज वो स्पीशीज वो पॉपुलेशन एक्सटेंड कर सकती है